So here I'm explaining this ascent to reaction mechanism again, right? Previous lecture I had explained this lot of things, I'm revising all these things. So it will attack here from backside, as you know that bond breaking and bond formation takes place simultaneously. Just pay attention about this one. When I'm saying this, then this is what? Molecule. And here it is called what? Transition state. And this transition state here present in form of what? Trigonal bipyramidal. You are observing this one as trigonal bipyramidal. Okay. So in transition state, trigonal bipyramidal, जितने अच्छे से ये स्टेबलाइज होगा, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, राइट, उतना रेट एसएन टू का अच्छा होगा, फास्ट होगा। ये स्टेबल होगा तो अच्छे से एसएन टू रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल्ड, राइट। सो जरा मेरी बात को समझो। सपोज इफ आई एम टेकिंग हियर बल्की ग्रुप, जस्ट प्योर अटेंशन व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, राइट। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस हिंड्रेंस स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस SN2 रिएक्शन एंड बल्की ग्रुप विच प्रेजेंट ऑन दिस SN2 रिएक्शन, राइट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन दिस वन? तो दोनों चीजें मैं एक साथ बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना इसको। नो सपोज इफ आई एम टेकिंग हियर, सी, एंड हियर आई एम टेकिंग दिस CH3, CH3, CH3. Suppose this reaction takes place in tertiary. So what effect will create here? Making this way. OH. You tell me which transition state is more stable. आप मुझे बताओ इन दोनों को ऑब्जर्व करके, इन विच ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होगा या फिर ये ज्यादा स्टेबल होगा? सपोज इसको मैंने दे दिया फर्स्ट एंड हियर आई एम गिविंग दिस व्हाट सेकंड, दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? सो देखो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना एकदम। हाँ, यहां पे क्या है? बल्की ग्रुप है। दिस इज व्हाट बल्की ग्रुप, यू आर ऑब्जर्विंग हियर, दिस इज व्हाट बल्की ग्रुप। ये सारी चीजें आपको यूज होंगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जस्ट पे योर अटेंशन एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट, राइट। हर एक चीज पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जरा ध्यान देना इसको। दिस इज ऑल्सो बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप आर प्रेजेंट हियर, राइट। सो डेफिनेटली इफ बल्की ग्रुप आर प्रेजेंट हियर, देन देयर व्हाट repulsion takes place here, because of this bulky group present here is what repulsion takes place. Can say that what repulsion, repulsion takes place, and when repulsion takes place, then stability of transition state decreases, right? Stability of transition state is what decreases. Are you getting my point? And saying next thing is what? Next thing is what? After breaking of this bond, we get the product, and this product will be what? Inversion product. We get what? Inversion product. Leaving group, inversion product. This product is what? Inversion. Why it is inverted? What is inversion product?
जस्ट हुए ना। ओके, सो स्टेबिलिटी विल व्हाट डिक्रीजेस, राइट? सो इफ स्टेबिलिटी डिक्रीजेस मींस व्हाट, टर्शियरी में, टर्शियरी अगर अल्काइल हैलाइड है तो वहां पे SN2 रिएक्शन नहीं होगा, पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि वहां पे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या करेगा, स्टेबल नहीं होगा, राइट? मैंने बताया इसके दो रीजन हो सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं, प्लस ये बल्कि ग्रुप जो अगर है तो फ्रंट से भी अटैक नहीं कर पाएगा, बैक से भी अटैक का डिफिकल्टीज होगी बिकॉज ऑफ दिस बल्कि ग्रुप। एंड हियर अगर ट्रांजिशन स्टेट सपोर्ट बन भी रहे तो स्टेबल नहीं होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट टेक्स प्लेस इन द टर्शियरी। या उसका जो स्टेबलाइजेशन है स्लो होगा, तो रेट ऑफ जो SN2 रिएक्शन है दैट इज आल्सो स्लो। एंड हियर इज द इन्वर्जन बिकॉज ऑफ द बैक साइड अटैक, सो वी गेट दिस व्हाट 100% इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। In SN2 reaction, we get the 100% inversion product as well as this reaction pass through the transition state, right? And the substrate which go for SN2 reaction mechanism, right? So that substrate go for SN2 reaction mechanism more favorably, which give the more stable transition state. Aisa substrate jo more stable transition state dega, right? More stable transition state dega. That will be what? More favorable for SN2 mechanism. I hope this part you understand. Right? You understood these things? Abhi suppose ispe question hai mera yahan pe. Just I'm giving some question related to this part. Huh? Chaliye, yahan pe main question deta hoon. Here I'm giving question. हर एक टॉपिक से रिलेटेड चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के लिए। सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस CH3X, हियर आई एम टेकिंग दिस X एंड हियर आई एम टेकिंग दिस CH3 thrice C, right? CH2X. If I'm taking this is what, first one, this is second one, and this one is what, third one. Now you find out the rate of SN2 reaction mechanism in these compounds, decreasing order. Find out it. So, question repeat kijiye. Just you arrange these three compound in decreasing order of their reactivity towards this SN2 mechanism. Means SN2 reaction mechanism किसमें ज्यादा होगा फिर किसमें कम होगा, ज्यादा से कम की तरफ arrange करो, 1, 2, 3. Just arrange these three compound in decreasing order for SN2 reaction mechanism. That's all. One, three, two.
1 3 2 1 ध्यानेश, 1 3 2, 1 3 2 प्रतीक्षा, ओके गुड। विल टेक इट। चलो इसको जरा स्ट्रक्चर बना के हम देखते हैं, दैट विल बी बेटर। जस्ट यही सारी चीजें, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, देन यू विल बी मास्टर इन दिस मैकेनिज्म। बहुत ध्यान से एक एक चीजें देखो, स्लो चलूंगा बट बहुत कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा और चीजें क्लियर होंगी कॉन्सेप्ट। चलो ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा। पहला, फर्स्ट टाइम गोइंग टू मेक दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन, सी एस थ्री। ये भी ले लिया CH3, CH3 and X। दूसरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, सेकंड स्ट्रक्चर इज व्हाट, दिस वन CH3, CH3, CH3 and X, and third one is what, see this, see CH3, 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 CH, CH and X। तो देखो बेटा यहाँ पे, इन दिस केस कार्बन विच हैविंग दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट, अल्फा कार्बन। यहाँ पे भी अल्फा हो गया, यहाँ पे अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया। अब देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही क्या F3 है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप नहीं है, तो डेफिनेटली वन का तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, 100% ज्यादा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इन दोनों में जरा चूज करना है कि ये टर्शियरी है और ये कैसा है। ये है तो प्राइमरी, ये है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, बिकॉज दिस हैलोजन अटैच टू द कार्बन विच अटैच टू ओनली वन अदर कार्बन, दैट वन इज प्राइमरी। सो दिस इज व्हाट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। मेरी बात को समझ लो, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है बट ये टर्शियरी है, राइट। अब हमें इसमें तो ठीक है, हमें पहचान में आ गया कि बल्कि ग्रुप कम है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट फास्टर, यहाँ पे तो ठीक है। इन दोनों में जरा कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप है वो क्या है, डायरेक्टली अटैच है अल्फा कार्बन से, ध्यान से समझना, और यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप है वो क्या है, बीटा कार्बन पे अटैच है, थोड़ी सी दूरी पे अटैच है। तो यहाँ पे अटैक करना डिफिकल्ट होगा, यहाँ का ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, लेस स्टेबल होगा, और ये थोड़ा सा स्टेबल होगा इज कम्पेयर टू दिस वन, दैट्स व्हाई व्हाट थर्ड वन इज ग्रेटर देन सेकेंड वन, राइट। तो 1 3 2, आई होप अंडरस्टूड दिस पार्ट, वेरी गुड। प्रतीक्षा नहीं, 1 3, डीप इज राइट, डीप एंड ओके, आई होप अंडरस्टूड दिस पार्ट, एवरीवन अंडरस्टूड, यस सर। देखो पहला हमें जब ऑब्जर्व करना है ना बल्किनेस, तो पहला किसपे ऑब्जर्व करना है, अल्फा पे। अल्फा पे अगर नहीं है कॉमन है अल्फा, तो बीटा पे ऑब्जर्व करेंगे, बीटा पे नहीं है तो भी गामा पे करेंगे, गामा पे नहीं डेल्टा पे करेंगे, राइट ना, ऐसा इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, सॉल्वेंट की, जो थोड़ा सा हमने सॉल्वेंट की बात की थी, थोड़ा सा और मैं उसको इनलार्ज करता हूँ, सॉल्वेंट की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके पहले जरा सा एक और क्वेश्चन मेरा देखो यहाँ पे, एक और सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन के थ्रू ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, राइट। इसके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ या रेट ऑफ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें ज्यादा होगा, राइट। फर्स्ट कंपाउंड आई एम टेकिंग दिस, चलिए ये ले लिया मैंने, एंड सेकेंड आई एम टेकिंग दिस, यस 1 and 2, किसमें SN2 फास्ट होगा और किसमें SN2 स्लो होगा, कौन सा ज्यादा अच्छे से SN2 रिएक्शन देगा, कौन सा लेस देगा, बताओ ध्यान से। Thank you.
Any answer? Can it pass? One is greater than two. Or कोई? Anyone else? Send it fast. All of you involve it, huh? All of you involve in this solving the question. One is faster, right? A and B. Okay. See this. What I am explaining here. यहाँ पे भी वही चीजें हैं, जरा मेरी बात को ध्यान से समझना. दिस वन इज व्हाट अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. राइट? और ये कैसा है, ये देखो, दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप, कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट ना? राइट. और यहाँ पे क्या है, ये अल्फा, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट अल्फा कार्बन. अल्फा पे हैलोजन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट अल्फा हैलोजिनेटेड. ध्यान से देखो, अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोनिल ग्रुप, राइट? अल्फा. तो यहां पे जो होगा ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबलाइजेशन, वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, राइट? Much much faster than B. We can say that what B is much much faster than A. Right? Why? Why it is much faster? बताइए मुझे. Right? Due to स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, राइट? देखो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, आपको जरा समझना पड़ेगा. यहां पे कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसा बना देता हूं. सी दिस, आई एम मेकिंग ए स्ट्रक्चर इन दिस वे. हियर आई डू दिस CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, ठीक है? एंड हियर इज व्हाट Cl, ठीक है? हमारी कहानी क्या होगी इसकी, कैसे ये रिएक्शन होगा? देखो, अगर यहाँ पे ये मैंने लिख दिया ऐसा, जरा समझो मेरी बात को. हियर राइटिंग दिस व्हाट C डबल बॉन्ड O एंड CH3, यही तो है यहाँ पे, राइट? हियर आई एम टेकिंग दिस व्हाट H, हियर आई एम टेकिंग दिस व्हाट H, एंड हियर इज व्हाट Cl, ठीक है? अब ये Cl यहाँ से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, यही एक ट्रांजिशन स्टेट, राइट है? आपको चीजें समझ में आ रही है ये, राइट? तो मेसोमेरिक इफेक्ट आपको पता है यहाँ पे,
ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ पे अगर इसको लोन कर दिया तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे अच्छे से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबलाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, राइट। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एक जो क्या दे रहा है, निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट दे रहा है और निगेटिव क्या दे रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज वॉट निगेटिव चार्ज मोर स्टेबलाइज, राइट। Because of that, it is what much faster than this one. लगभग 1 lakh times ज़्यादा fast होगा, right? So this is what faster. तो ऐसा कोई अगर कहानी आता, ऐसा कोई अगर compound आता like that alpha halogenated carbonyl group, that will be what faster than the alkyl halide also. Just note down this point also. अब थोड़ी सी बात करूंगा मैं सॉल्वेंट की, हाँ, फिर उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री से लेसन वन स्टार्ट करेंगे। एवरी टेन अपने से अपने से अच्छे से स्टेटमेंट में लिख लो, हाँ, क्यों ये ज्यादा देता है कैसे देता है, जस्ट यू अरेंज इट, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, what I'm going to give you a protic solvent, right? हमें ये पता है SN2, right? Reaction, right? Favor polar of protic solvent, ये मेरी बात समझो अच्छे से। और protic solvent का सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं, एसीटोन, राइट। मैंने आपको और सारे एग्जांपल लिखे थे यहां पे, बट ये मैं सिंपल एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, दैट इज द प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट है। और कौन कौन से सॉल्वेंट थे, जस्ट टेल मी फास्ट, रिवाइज इट, जल्दी बताओ मुझे कौन कौन से सॉल्वेंट लिया था मैंने, प्रोटिक सॉल्वेंट, टेल मी फास्ट, भूल गया, डीएमएफ, डीएमएसओ, राइट, प्रोटिक सॉल्वेंट याद करो, चलिए गुड, yes, very good, see this, so in this case agar yahan pe nucleophile hai, zara meri baat ko samjho, yahan pe ek main nucleophile le liya, suppose oh minus ya sh minus le liya maine nucleophile, samjho isko aisa kuch le liya maine, aur yahan pe agar protic solvent le liya, polar protic solvent like that water, right, तो वाटर क्या करेगा, जो प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को ब्लॉक कर लेंगे। अगर यहां पे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होगा, अगर यहां पे मैंने वाटर ले लिया तो क्या होगा, वाटर तो ऐसा होता है प्रोटिक सॉल्वेंट, आपको पता है ये, दिस वन इज द हाइड्रोजन, आई एम मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वाटर लाइक दिस वन, एच एच, समझो जरा इसको, हाँ अच्छे से समझ लो, यहां पे क्या ये इसको ब्लॉक कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, यहाँ पे स्लो हो गई, कम हो गई न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी, और हमें पता है कि SN2 का जो रेट होता है, दैट SN2 रेट इज व्हाट, SN2 इज व्हाट, रेट ऑफ SN2 इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियोफाइल, जितना स्ट्रॉन्ग और जितना कॉन्सेंट्रेट होगा उतना फेवर करेगा SN2 को, क्योंकि होता क्या है, इसको दो चीजें करनी है, देखो यहाँ पे मेरी बात को समझो जरा सा, यहाँ पे अगर X है तो न्यूक्लियोफाइल अगर X से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो ये इसको अटैक नहीं कर पाएगा, इसको करना क्या है, यहाँ पे अटैक करना है और इसको हटाना है, इसको रिप्लेस करना है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड,
तो अगर कोई ऐसा प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया, और प्रोटिक की बात नहीं कर रहा हूं, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया जो कि क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर दिया अगर न्यूक्लियोफाइल को, इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा, इसके अटैक को कम कर देगा, तो या फिर इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया, तो फिर इसका अटैकिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट वी रिक्वायर्ड, व्हाट पोलार, पोलार तो होना चाहिए बट कैसा होना चाहिए, अ प्रोटिक सॉल्वेंट। तो डेफिनेटली SN2 रिएक्शन फेवर द पोलार अ प्रोटिक सॉल्वेंट। दीज आर व्हाट मैंने बताया आपको, DMF, DMSO, etc. and acetonal. लिख लो इसको, मैं अभी SN1 के साथ इसको कंपेयर करके बताऊंगा, वहां पे प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों थे, यहाँ पे अप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों थे, वो भी कंपेयर करूंगा। देखो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर SN1 में बताऊंगा उसको भी क्लियर करो, फिर दोनों को मर्ज करूंगा, दोनों के कंपेरिजन को बताऊंगा, तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, क्योंकि वहीं से कंफ्यूजन थोड़े से होते हैं। ठीक है, डन। ठीक है, इसके एक और रीजन हो सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है, राइट? तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी निकलेगी वही एनर्जी यूज हो जाती है कहाँ पे, बॉन्ड ब्रेकिंग में। इसके लिए इस केस में जब मैं SN1 बता दूंगा तो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगे। देखो यहाँ पे इस केस में हमें सॉल्वेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखो ये जब कोई भी वाटर किसी से बॉन्ड बना रहा है, किसी को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ऐसे, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। कोई कैटन या एनायन है जिसको वाटर अगर कवर कर रहा है तो वहां पे एनर्जी निकलती है, दैट इज व्हाट सॉल्वेशन एनर्जी। तो सॉल्वेशन एनर्जी का यूज होता है कहीं कहीं पे बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, बट यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। पहले बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों चीजें साथ में हो रही है, इसके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉल्वेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसके लिए यहाँ पे अप्रोटिक सॉल्वेंट भी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की थोड़ी बात कर लेता हूं। हैव यू नोटेड दिस, यस सर। अब देखो यहाँ पे इधर भी जा रहा है, ठीक है, चल देते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, स्टीरियो केमिस्ट्री। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, दिस इज व्हाट 100% इन्वर्जन बिकॉज ऑफ द बैक साइड अटैक। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करके देता हूँ और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, कैसे होता है क्वेश्चन। सी दिस स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN2 का स्टीरियो केमिस्ट्री कैसा होगा, देखो ध्यान से। इफ आई एम टेकिंग दिस कार्बन, हियर आई एम टेकिंग दिस द वैलेंसी, I'm taking H. Suppose if I'm taking this D, right? ध्यान देना है यहाँ पे।
temperature is B. Here I'm taking T. And this is what we are. And nucleophile will attack here. It will attack from what backside? Then transition state will form. ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ पे. We are will going separately and OH will attack here. Trigonal bipyramidal. As I told you, this is what trigonal bipyramidal. And after that, it will form the product. मैंने कल बताया था आपको, कोई problem नहीं है last lecture में. Here we get what? This much. अब मेरी बात को ध्यान से समझो. यहाँ पे ऐसा कुछ मिल गया. Sorry, I'm taking this part. This is what D and this is what. So what we'll get here? Here we get what? OH. ठीक है, यहाँ पे क्या मिला अपने को? T. और यहाँ पे क्या अपने को? H. और यहाँ पे क्या? D. This is what? Inversion, right? And this inversion is also called what? Walden inversion. 100% inversion. Inversion, ठीक है. और इसी को हम कहते हैं, इस inversion को हम क्या कहते हैं? Walden inversion. Walden inversion, right? तो पूरा का पूरा configuration इसका क्या हो जाता है? Change हो जाता है और उल्टा हो जाता है. देखिए, इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि जहां से BR निकाला, means जहां से living group निकल रहा है, अगर वहीं पे उसी side में nucleophile attach होता है, then it form the retention. And if nucleophile attach in the opposite side, then it is called what? Inversion. See, I'm writing here. ध्यान देना यहाँ पे. If nucleophile attach to same side of living group, the same place of living group, then it gives retention. हम लोग यूज करते वर्ड यहाँ पे, ओ माय गॉड, सॉरी, इट गिव व्हाट? रिटेंशन. एंड इफ न्यूक्लियोफाइल अटैच टू अपोजिट of living group, then it gives inversion, right? So retention and inversion. Retention means what? As it is. Inversion means what? Opposite. ठीक है, अगर यहां से BR निकला, यहीं पे OH अटैच हो गया, that is called retention. और opposite opposite side में हो गया, nucleophile अटैच हो गया, that is what? Inversion. So retention and inversion, that is the form. अब जरा मेरी बात को समझो यहाँ पे. ये ऑलरेडी मैंने पहले बताया था क्यों होता है, ये भी बताया कि फ्रंट साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर भी है, यहाँ पे भी है, ये दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ से अटैक पॉसिबल नहीं. दूसरी चीज होती है कि यहाँ पे बॉन्डिंग है, तो इसके पीछे जो होता है इसके अपोजिट में, दैट इज व्हाट? एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि खाली रहेगा. बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे अटैक करेगा. केमिकल बॉन्डिंग में आपने स्टडी किया होगा, राइट? अब जरा मेरी बात को समझो यहाँ पे ध्यान से. एक क्वेश्चन में देता हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. जरा देखो क्या है यहाँ पे. आई एम गिविंग दिस सिंपल क्वेश्चन.
here I'm taking this ME. बहुत बार ये पूछा भी गया है, ऐसा आता भी है. Here I'm taking ET. ET means what? Ethyl. ME means what? Methyl. You know that. And here I'm taking this what? BR and H. It is reacted with what? NAI, sodium iodide and acetone, dry acetone. इसी रिएक्शन को कहते हैं फिनकेल्सकीन रिएक्शन, आगे आप पढ़ेंगे. सो जस्ट टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट. चलिए मुझे प्रोडक्ट बताओ आप, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. ध्यान से समझो इसको, बताओ मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा. चलो आई एम गिविंग दिस ऑप्शन, आई एम गिविंग ऑप्शन ऑल्सो. ए B, C, and D. बहुत सोच के देना आंसर अच्छे से. जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन एंड दिस ऑप्शन, टेल मी द राइट आंसर. अच्छे से सोचो, देखो दिमाग चलाओ. जो चीजें मैंने बताया आपको, जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसी से रिलेटेड है और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं. कौन है? ऑल ऑफ यू गिव द आंसर. Okay. All of you give the answer fast. प्रतीक्षा, रुबीता, ज्ञानेश, लेवरिन, और कौन है? अभिषेक, अब्दुल, रील, ऑल ऑफ यू गिव द आंसर. ज्ञानेश बी, ओके बी. विल चेक इट. चलिए देखिए, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. आपको पता है, मैंने बताया यहां पे, आई हैड एक्सप्लेन दैट
दिस वन इज द न्यूक्लियोफाइल विच अटैक एन ए प्लस और माइनस बनाएगा ये. अब देखो यही रोल है यहाँ पे एसीटोन का. अब ये एसीटोन जो होगा इसको ब्लॉक करके नहीं रखेगा आई माइनस, ये अटैक करने देगा यहाँ पे. यही प्रोटिक हो जाता ना तो इसको रोक लेता. आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे सॉल्वेंट का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है. अब देखो बेटा यहाँ पे दिस आई माइनस विल अटैक फ्रॉम द अपोजिट साइड, बैक साइड अटैक. तो ये पूरा का पूरा इन्वर्जन हो जाएगा, इसके अपोजिट में आई मिलेगा अपने को, इसके अपोजिट में 100% इन्वर्जन. आई टोल्ड यू वी गेट इज व्हाट वी गेट हियर 100% इन्वर्जन, अदरवाइज दैट इज कॉल्ड व्हाट अम्ब्रेला इन्वर्जन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट अम्ब्रेला इन्वर्जन, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं. सो यहाँ पे अपोजिट मिलेगा. सो जस्ट चेक करो यहाँ पे एम ई अपर साइड, ई टी लोअर साइड, एच लेफ्ट एंड बी आर माइनस, बी आर राइट हैंड साइड. सो आई विल अटैच इज वॉट, डेफिनेटली यहाँ पे अटैच करेगा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हो गया, एम ई अपर साइड एंड दिस इज डाउन साइड. बाकी सारी चीजें सेम है, जस्ट बी आर का आई का पोजिशन बी आर के अपोजिट हो गया, दैट इज वॉट 100% इन्वर्जन, ये राइट है. बट आपको सारे ऑप्शन, सपोज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया तो आप देखोगे कि B इज ऑल्सो राइट. वाई दिस B इज राइट, आप देखो जरा सर मेरी बात को समझो. यहाँ पे B R की जगह पे I अटैच हो गया और H की जगह पे H है, लेकिन क्या E, M, E और E T अपने पोजीशन पे है? नहीं है, ये भी अपोजिट हो गया. इट मीन्स वॉट दीज टू आर वॉट आइडेंटिकल, दोनों राइट हो गए. आपको समझ में आई मेरी बात? यस सर. राइट, चलिए मैंने आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताया था, दो बार होगा अगर इवन नंबर अगर चेंजेस होता है दैट इज व्हाट आइडेंटिकल, राइट, ऑड होगा तो अपोजिट होगा. आपको समझ में आई इसी चीजें? ठीक है चलिए, ओके वेरी गुड. आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन टू यू, जस्ट ट्राई टू सॉल्व. एसएन2 ऑलमोस्ट अपना हो चुका है, जस्ट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको. देखिए व्हाट प्रोडक्ट वी गेट हियर, क्वेश्चन पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, बाद में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे. OH माइनस हियर, जस्ट राइट द प्रोडक्ट. आई एम नॉट गिविंग ऑप्शन, जस्ट यू राइट द प्रोडक्ट. Here is the three question, just you try to solve and give me the product fast.
डन। देखो सिंपल सा इसमें प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग। ऑटोमेटिक दिस प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलने वाला है अपने को, जस्ट सी एल को हटा करके वो या चार्ट करना है बट अपोजिट साइड में, राइट। नो चेंज हियर ह्यूमन एज इट इज, यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, एच हो जाएगा और यहाँ पे ओ एच आ जाएगा। ऐसे ऑप्शन भी दिए रहेंगे आपको, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, राइट। या डॉट और डैश से दिया रहेगा ना, यहाँ पे क्या मिले अपने को, एच। अब बी आर और एम ई को यहीं पे चेंज करना है अपने को, तो यहाँ पे आ जाएगा आई और यहाँ पे क्या आ जाएगा एम ई, रेस्ट ऑफ पार्ट एज इट इज, नो प्रॉब्लम। मी और एच फिर द प्रोडक्ट, ठीक है। चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर चीजें अच्छे से आपको सॉल्व हो जाएंगी, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे क्या मिला अपने को, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका आई और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच, दैट विल चेंज इन्वर्जन। सो आपको एस एन टू में क्या क्या ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या ध्यान देना है ड्यूरिंग एस एन टू, वट वी हैव टू कंसिडर। ये प्रोडक्ट सबको समझ में आया, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, एस आर नो? समझ में आया ना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट एस एन वन के लिए, एस एन टू के लिए, फॉर एस एन टू आपको रिएक्शन देख के पहचानने में क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी एस एन टू के लिए, राइट ना। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, सॉल्वेंट। अभी मैं आपको एस एन वन बता दूंगा तो आपको देखोगे कंफ्यूजन होगा कि कोई रिएक्शन एस एन वन सेम रिएक्शन कभी कभी एस एन वन के थ्रू होगा एस एन टू के थ्रू, सॉल्वेंट उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कहाँ पे स्टेबल होता है, राइट। और तीसरा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे प्रोडक्ट इन्वर्जन, ठीक है। शायद समझ गया आपको, यस यस सर। अब एक लास्ट, एक लास्ट, शायद आपको सारी चीजें समझ में आ गई, एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, ठीक है। ये देखो, सो कैन यू स्क्रॉल अप फॉर अ सेकंड, या डाउन, डन सो, थैंक यू। ओके, व्हाट इज माय क्वेश्चन हियर, लुक एट हियर, आई एम गिविंग हियर पीएच कार्बन, here I'm taking this ME, here I'm taking this H, O, N, A, okay, and it is treated with what, CSPI, right, bataiye kya milega product, SN2 के थ्रू जा रहा है यहाँ पे। सो लुक एट हियर, आवर प्रोडक्ट विल बी व्हाट, पीएच, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ये एन ए और आई क्या होगा निकल जाएगा, यहाँ पे देखो दिस वन इज एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ये माइनस बेटा और ये प्लस के फॉर्म में है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर यहाँ पे, सो व्हाट इज अवर प्रोडक्ट, एम ई ओ सी एस थ्री, राइट।
यहाँ पे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो एज इट इज हो गया, और यहाँ पे तो सीएसटी यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस कुछ हुए नहीं, एनएआई निकल गया यहाँ पे। मेरी बात समझ में आई आपको? राइट, तो यहाँ पे ये बैक साइड से अटैक किया, यहाँ पे जो था एज इट इज मिल गया आपको, दैट इज अ प्रोडक्ट अबाउट। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो एज इट इज रह गया, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो रिटेंशन था, वो रिटेंशन रह गया, तो यहाँ पे रिटेंशन हो गया, अपने को रिटेंशन मिल गया, राइट। बट किसकी वजह से? न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रक्चर, मैंने सबस्ट्रेट का नहीं दिखा, क्योंकि सबस्ट्रेट तो कैसा है, सीएसटी है, सिंपल, यहाँ पे अटैक हो गया, मिल गया अपने को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इधर दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है ना? हाँ सर, इधर CH2O और NaH बन के आई भी तो लग सकता था। कहाँ पे? यहाँ NaO की जगह आई भी तो लग सकता था। NaO मतलब ये हट के आई लग गया ऐसा? हाँ नहीं, यहाँ पे ये नहीं निकलेगा ना, कौन रिप्लेस करेगा इसको? NaH विलियमसन सिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अभी देखो यही सारे रिएक्शन आपको पढ़ने आगे के चैप्टर में। तो यहाँ पे देखा आपने SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट ना, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक है सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी चीजें आपको डिफिकल्ट होंगी बट मैं बता देता हूँ, क्योंकि SN1 में फिर वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखो ये कोई अगर रिएक्टेंट हो गया अपने पास, ऐसा कुछ आ गया, ये ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया कुछ, सपोज एक्स ले लिया और इसके ऊपर अटैक कर रहा है। अब ऐसा कभी कभी लिखा जा सकता है यहाँ पे, हाँ ये चीजें अलग अलग होंगी। जिससे यहाँ पे ले लिया मैंने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, जो को चेंज कर दिया, देखो कॉन्क NaOH और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने एक्वस AgNO3। कभी कभी ऐसे रिएक्शन देते हैं आपको। अब क्या होगा प्रोडक्ट? देखो दोनों चीजें अलग अलग, इफ आई एम टेकिंग दिस कॉन्सेंट्रेटेड NaOH दैट इज व्हाट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो किसके थ्रू जाएगा? SN2। तो प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत सिंपल बन गया, कोई डिफिकल्टी नहीं है, जस्ट एक्स की जगह हमें क्या अटैच कर दिया, OH अटैच कर दिया, क्योंकि ये OH प्रोवाइड करेगा और ये हो गया प्रोडक्ट अपना, नो प्रॉब्लम। बट यहीं पे अगर ये रिएक्शन हमने देख लिया, ये कैसा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे Ag प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया NO3 माइनस हो गया, राइट। ये इसको ऑफसेट करेगा, यहाँ पे कैटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बो कैटाइन, SN1 की बात करूंगा मैं यहाँ पे। हाँ तो जैसे ही कैटाइन फॉर्म होगा, कोई भी पेंटागोनल अगर है स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेन है, तो उसके नेक्स्ट यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होता है, राइट ना, ये टूटेगा, यहाँ पर रिंग एक्सपांड करेगा, ये 6 मेंबर रिंग हो जाएगा और वहां पे फिर रीअरेंजमेंट होगा। ये सारी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आगे होने वाली है SN1 में, ठीक है। तो सॉल्वेंट के ऊपर देखा कि आपने डिपेंड, ये सिर्फ ये मतलब बता रहा हूँ कि सॉल्वेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 अदरवाइज SN1, क्लियर। आई विल एक्सप्लेन दिस SN1 प्रॉपरली और दोनों को फिर कंपेरिजन करूंगा, तो आपको चीजें और ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। यस वेरी गुड। चलिए ये नोट डाउन कर लो आप। अच्छा कुछ ऐसे सब्सट्रेट होते हैं जो कि SN2 नहीं देते, यहां पे देखो सम सब्सट्रेट
temperature not giving SN2, right? SN2 इनके थ्रू नहीं होगा. कौन कौन से सब्सट्रेट हो सकते हैं, किसकी वजह से SN2 नहीं होगा, किसमें SN2 नहीं होगा, राइट? उसकी बात कर लेते हम लोग. विच वन इज नॉट गिविंग दिस SN2 रिएक्शन, क्या बता सकते हो, कुछ सोच सकते हो उसके बारे में? विच आर नॉट गिविंग SN2. देखिए इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट वन इज व्हाट, विनाइल हैलाइड नहीं देगा. एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दिस CH2 डबल बॉन्ड CH एंड X, दिस इज विनाइल हैलाइड, राइट? ये SN2 के थ्रू नहीं जाएगा, क्या होगा? देखो यहाँ पे ये इसको यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, राइट? विनाइल हैलाइड है तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, राइट ना? पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे कैरेक्टर, और यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो बैक साइड अटैक को ये प्रिवेंट करेगा, पाई बॉन्ड एज वेल एज ये बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग हो गया, जल्दी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है? सी दिस, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, व्हाई दिस विनाइल हैलाइड नॉट अंडरगो फॉर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजन बिहाइंड दैट it is prevented, pi bond is prevented by what, backside attack, prevent to the backside attack, as well as this carbon halogen bond is what, strong, it is partially double bond character because of this resonating structure you are observing here. aapko cheeze samajh mein aa rahi hain? minus partial double bond character ho gaya yahan pe, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया थोड़ा सा ना, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया, तो जल्दी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है? सेकंड है ऐसा अराइल हैलाइड, इन अराइल हैलाइड्स कैसे होंगे देखो, यहां पे सपोज ये ले लिया मैंने, एक्स डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. अब यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपने देखा होगा कि ये पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे रेजोनेंट स्ट्रक्चर में, ये यहाँ पे आ जाएगा और पूरा ये घूमेगा, मतलब ये भी क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया, एज वेल एज बैक साइड अटैक यहाँ पे पॉसिबल होगा, पाई बॉन्ड इसको प्रिवेंट करेगा, राइट? तो यहाँ पे भी क्या हो गया, नॉट पॉसिबल, SN2 इसमें भी नहीं होगा, ठीक है? तीसरा, थर्ड कंडीशन, टर्शियरी अगर है अल्काइल हैलाइड अगर है वहां पे भी थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, जैसे अगर ऐसा कुछ ले लिया मैंने कार्बन CH3 और X, not text place, क्योंकि यहाँ पे जो backside attack है bulky group की वजह से नहीं होगा possibility, यहाँ पे भी यही नहीं होगा SN2 reaction mechanism, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा. एक और specific compound है, you may note down this, right? जिसको बोलते हैं bicyclic compound, मैंने पढ़ाया था आपको, nomenclature है, right? मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर बनाता हूं आपको चीजें समझ में आएंगी. जैसे ये ले लिया मैंने, देखो अब यहाँ पे जो ब्रिज हेड कार्बन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ब्रिज हेड कार्बन, राइट? दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, अगर यहाँ पे कोई हैलोजन अटैच है तो वो फिर SN2 के थ्रू चेंज नहीं होगा, समझो मेरी बात को. अगर यहां पे मैंने एक्स ले लिया, अदरवाइज यहां पे कोई ले लिया एक्स, कोई भी यहां पे है,
तो ये दोनों जगह पे जो चीजें हैं जो हैलोजन है वो फिर SN2 के थ्रू चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, राइट right? और एक स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन क्या, थोड़ा सा इसमें लॉजिकल चीजें हो जाती है, जैसे ये हो गया RF, अगर फ्लोरीन अटैच है तो फ्लोरीन जल्दी SN1 के SN2 के थ्रू यहाँ पे चेंज नहीं होता, क्योंकि कैसा है F, कैसा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, राइट right? अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं करेगा क्योंकि तो साइज छोटी हो गई इसकी, राइट right. तो इट इज व्हाट नॉट टेक्स्ट, तो ये सारे कंडीशंस हो गए जहां पे कि SN2 रिएक्शन नहीं हो सकते, विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, तो ऐसा कुछ कंडीशन आ गया तो आप देख के पहचान सकते हो, दिस इज द ब्रिज हेड कार्बन, हा हो गया ठीक है, चलिए आगे चले भी, यस सर, हाँ चलिए, तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन बस SN2 का, SN2 कैसा होता है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट इज बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज व्हाट, टू रिएक्टेंट इज पार्टिसिपेटिंग, देखो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन इज व्हाट, That is called what simplest form of reaction which cannot be further divided into the different steps. कोई भी reaction होता है different step process हो सकता है, but elementary reaction is what not further divided into the other step. That is called what elementary reaction. और elementary reaction में जितने molecule participate करते हैं, that is called its molecularity. So you are observing here, if I am writing this CH3X और यहाँ पे ले लिया मैंने OH और ये attack कर रहा है, तो ये एक ही step process होता है, one step process, और transition state form होता है यहाँ पे. So this is what RDS, this is the rate determining step, this is the flow step, and in this case, this is elementary reaction, and in elementary reaction, two molecules are participating, that's what is called what bimolecular, right? And backside attack possible, and the solvent is what? Polar or protic solvent favor the SN2 reaction mechanism, steric hindrance mein kaisa hoga? जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वो ज्यादा फेवर करेगा SN2 को, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ज्यादा बल्कि ग्रुप है, तो वो फेवर नहीं करेगा SN2 को, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी थी, क्लियर, यस सर, ठीक है, और दूसरी लास्ट यहाँ पे रखना है कि अल्फा बीटा कार्बन पर जितना बल्कि ग्रुप अटैच होता रहेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होती रहेगी, ठीक है, चलिए डाउन करो, अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, मेरा फिट,
So I hope everything clear about this SN2 reaction mechanism, right? So now I will explain this SN1 reaction mechanism और फिर उसके बाद दोनों के comparison, ठीक है? SN1 देखो कैसा होगा और क्या होगा, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है और किस बात पे हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट? ठीक है, चलिए देखिए. So next time I'm going to explain this SN1 reaction mechanism. Okay? So it is called what? Unimolecular. Unimolecular nucleophilic substitution reaction. Substitution reaction. In short, it is called what? SN1 mechanism reaction. Okay? I will explain why it is called what SN1, why it is called what unimolecular SN1, nucleophilic substitutions, everything. Clear? Actually, let's see. फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम लोग अच्छे से. ओके, सी दिस SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म. SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज व्हाट. हियर इन दिस केस टू स्टेप प्रोसेस. एक सिंपल सा पहले रिएक्शन में लिखता हूँ, उसके बाद चीजों को आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ. Like this, what? Rx. और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं. सब्स्टिट्यूशन हमें देखना ही है. तो देखो यहाँ पे दो स्टेप प्रोसेस यहाँ पे होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हेट्रोलाइसिस. हेट्रोलाइसिस इन द सेंस व्हाट, यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. यहां पे पहले बॉन्ड ये ब्रेक होगा, फिर बॉन्ड फॉर्म होगा. बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन कार्बन एंड हाइलोजन, आफ्टर दैट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल. तो पहला ये बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा यहाँ पे, और बॉन्ड ब्रेक कैसा होगा, ये निगेटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट पोलैरिटी. सो इन दिस केस व्हेन एक्स विल सेपरेट आउट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेट्रोलाइटिस, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. एंड दिस अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस इन व्हाट, polar solvent, polar protic solvent. Okay, so what we'll get here, here we get what, R plus cation. इसी को बोलते बेटा carbo cation. क्या बोलते हैं इसको, carbo cation formation. अब carbo cation बन गया तो इसके ऊपर attack करेगा nucleophile, और nucleophile attack करेगा तब ये बनाएगा product like RNU, और यहाँ पे X यहीं पे separate out हो चुका है, that is what minus. राइट, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन. सो इन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म कार्बोकैटायन विल फॉर्म, और यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि विच कार्बोकैटायन इज स्टेबल. ये मैंने आपको जीओसी में बताया अच्छे से, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन कैसे होते हैं, किस की स्टेबिलिटी कैसी होती है, बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेशन, एवरीथिंग, राइट. वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी यहाँ पे, कि कौन सा कार्बोकैटायन कहाँ पे स्टेबल हो रहा है और कौन SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा, राइट. ओके, अब यहाँ पे जो टू स्टेप प्रोसेस हुआ, इन दिस केस विच टू स्टेप प्रोसेस टेक्स प्लेस, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टेप वन. और ये स्टेप वन जो होता है, दैट इज व्हाट, स्लो स्टेप प्रोसेस, स्लो स्टेप है. बॉन्ड ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड इज व्हाट, स्लो स्टेप प्रोसेस. और दिस वन इज व्हाट, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट, फास्ट. दिस वन इज फास्ट. स्टेप टू इज व्हाट, फास्ट. ये फास्ट हो रहा है, राइट. अब मुझे बताओ कहां पे आप रेट डिटरमाइन कर सकते हो, जो स्लो होगा उसका या फिर जो फास्ट होगा उसका. So, slow को हम लोग rate determine कर सकते हैं, इसका rate बता सकते हैं. That's what is called what, rate determining step, RDS.
This is called what? RDS, rate determining step. So two-step process, but in this case, first step is what? Slow step. That's what is called what? RDS, rate determining step. Right? And you are observing here, जब मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कर रहा हूँ, टू स्टेप प्रोसेस कर रहा हूँ, तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया और ये अलग हो गया, और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और स्लो स्टेप में क्या पार्टिसिपेट कर रहा है? अल्काइल हैलाइड। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड ऑन व्हाट? ओनली डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक इन द सेकंड स्टेप प्रोसेस विच इज फास्ट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। Why it is called what? Unimolecular. Reason behind that, two-step process. First step is slow step process in which only alkyl halide is participate. And because of the participating only alkyl halide, which is rate determining step, rate of reaction only depend upon the concentration of alkyl halide, not on the nucleophile. Reason behind that, attack of nucleophile is fast and we cannot determine the rate. That's why it is unimolecular. Right? Okay, so what are the important power point here? What is the most important point for the SN1 reaction mechanism, right? What are the main important point? So before that, before explaining everything, before explaining this SN1 reaction mechanism, before explaining this its conditions and all these things, first I want to explain reaction. एक सिंपल सा रिएक्शन लेके पहले आपको मैं समझा देता हूँ सारी चीजें, उसके बाद आप देखोगे कि जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ वो कितने अच्छे से आपको समझ में आता है, राइट? ओके, यस सर, ठीक है। देखिए यहाँ पे, यू नोट डाउन दिस पॉइंट इफ यू वांट, देन रिएक्शन लेके चलते हैं, वहां एग्जांपल लेके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। चलिए, here I'm taking this third butyl bromide, tertiary लेके चलता हूँ, अब देखो बेटा यहां पे भी मैंने ले लिया CH2। नाउ आई एम टेकिंग दिस बल्की ग्रुप, हां आई एम टेकिंग दिस बल्की ग्रुप। मैं आपको पहले रिएक्शन पूरा समझा देता हूं यहां पे, एक रिएक्शन एग्जांपल से, इसके बाद मैं आगे की बातें करूंगा। सी दिस, राइट? सो मैंने आपको बताया कि दिस टू स्टेप प्रोसेस, ठीक है? चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, ये मैं रफ कर दूं एक बार, इसी को मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। हियर आई एम राइटिंग दिस व्हाट, टू स्टेप प्रोसेस। Step one, formation of carbocation. Formation of carbocation. How this carbocation will form? See this. So in this case, it is go for what? Heterolysis, heterolytic bond fusion. So we are observing here, in this case, this carbon atom is what? sp3 hybridized. Are you observing this? Carbon is what? sp3 hybridized. This center carbon is what? sp3 hybridized. And if it is sp3 hybridized, that is what? Tetrahedral. You know that tetrahedral geometry, sp3 hybridization, sp3 hybridized. ठीक है? Now in this case, first of all, it go for what? Heterolysis. और heterolysis में
हेल्प कौन करेगा? सॉल्वेंट, पोलार सॉल्वेंट, राइट? इन प्रेजेंस ऑफ पोलार सॉल्वेंट हेट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो भी कैसा होगा? प्रोटिक. प्रोटिक सॉल्वेंट का रोल क्या होगा, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं. देखो, तो यहां पे होगा क्या कि बीआर विल सेपरेट आउट, राइट? बीआर विल व्हाट? सेपरेट आउट. सो व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म हियर? वी गेट दिस प्रोडक्ट लाइक सी. एकदम ध्यान से देखो, एक बार आपको मैकेनिज्म दिमाग में बैठ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. जो टेक्निकल चीजें होंगी वो सब हम लोग सीख लेंगे आराम से. सी दिस, हियर इज व्हाट सी एच थ्री, हियर इज व्हाट सी एच थ्री, हियर इज व्हाट सी एच थ्री. Now here it form what? Carbocation plus charge. I explain it. Plus charge create on this carbon, right? It means what? It means what? Now this carbon is what? Now this carbon became sp2 hybridized. राइट है? ये कार्बन कैसा हो गया बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया. एकदम ध्यान देना यहाँ पे. दिस बिकम व्हाट? sp2 हाइब्रिडाइज्ड. लिसन लिसन, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो कैसा हो रहा है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है. शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके साथ जा रहे हैं? ब्रोमीन के साथ जा रहे हैं. सो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, और वैकेंट ऑर्बिटल हो गया मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया. sp3 से क्या हो गया? sp2 हो गया. और sp2 हो गया, देन इट बिकम व्हाट? ट्रायंगुलर प्लैनर. यहां पे आपको चीजें इसलिए समझ में आ जाएंगे अच्छे से जो मैं बता रहा हूं. अब जरा स्ट्रक्चर देखो ध्यान से बेटा. यहां पे मैंने डैश डॉट लाइन और थिक लाइन बनाया, दिस 3D स्ट्रक्चर, बिकॉज इन दिस केस दिस वैलेंसी प्रेजेंट एट द बैक ऑफ दिस प्लेन, दिस वैलेंसी प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ दिस प्लेन. But because it is what? Tetrahedral. But after breaking of this bond, when it become what? Carbocation. So यहाँ पे इसके पास vacant orbital हो गया और इसका hybridization change हो गया. तो hybridization change से इसके geometry change हो गई. Now it become planar. It is not tetrahedral. It become what? Planar. इसके लिए तीनों valency एक ही plane पे हो गई. Right? Are you getting my point? तो अगर ये वैलेंसी कैसा है, अगर एक प्लेन पे है तो ये जो ऊपर नीचे, अगर सपोज ये प्लेन पे है तो ये वैलेंसी ऊपर और ये वैलेंसी ऊपर, पी ऑर्बिटल क्या होगा? वैकेंट होगा. आपको चीजें समझ में आ रही हैं? आप इमेजिन कर पा रहे हो स्ट्रक्चर? दिस वन इज व्हाट? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल प्लैनर स्ट्रक्चर, बिकॉज इट्स वैलेंसी इज व्हाट? अपर साइड एंड लोअर साइड इज ऑन दिस प्लेन. नाउ सेकंड स्टेप प्रोसेस इज व्हाट? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. जस्ट सी दिस व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. स्टेप सेकंड, step second is what? Attack of nucleophile. Attack of nucleophile is what? See, I am making this triangular planar structure. CH3, CH3 and CH3. Here is what? Plus charge. Carbocation. And हमें पता है कि ये valency यहाँ पे vacant orbital है, इसके पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. Now attack of nucleophile. This nucleophile will attack. O minus, suppose हमने ले लिया O minus, that is the nucleophile. अब ये कैसा होगा बेटा? Fast होगा. यहाँ पे heterolysis जो हो रहा था वो कैसा process था? Slow process था. That means what? Slow. और ये कैसा हो रहा है? Fast हो रहा है. अच्छा, fast हो रहा है तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं. देखो, इसके पास अब chances हो गए.
चांस ये हो गया कि ये वाला भी फ्री है यहाँ पे, ये इससे भी अटैक कर सकता है और ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है. दिस वन इज कंडीशन ए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्रंट साइड अटैक. And this is the condition B, which is called what, backside attack. Right? Front side attack and backside attack, dono possibilities hai. So definitely we get the two product. Aur dono ke chances equal hai, isme koi changes nahi ho rahe. Aap dekh rahe ho na, yahan pe chances hai na iske paas. Ye idhar se bhi attack kar sakta hai, idhar se bhi attack kar sakta hai, iske chances hai. Theek hai? So, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, सपोज इफ आई एम गिविंग द प्रोडक्ट ए मीन्स आफ्टर फ्रंट साइड अटैक, देन व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर. सो इन दिस केस वी गेट द सेम प्रोडक्ट एज इट इज, एंड आई टोल्ड यू दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड व्हाट, रिटेंशन प्रोडक्ट, वेयर न्यूक्लियोफाइल विल अटैच टू द सेम पोजिशन ऑफ द लिविंग ग्रुप. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Here I'm writing same thing. Here I'm writing this what, OH minus, and here I'm writing this what, CH3, and CH3. Is it right? This one is called what? This is called what? Retention. But if this will be attack on the back side, if I'm getting this backside attack, B's condition, then definitely we'll get this what, inversion product, because of the backside attack. So our product will be what, like this one. Here, what I get here, CSC and OH. Now this is called what? This one is what? Inversion. Right? Retention and inversion. Normally हम कह सकते हैं कि दोनों के chances equal है, that's why we get the 50% retention and 50% inversion. ऐसा होता नहीं एग्जैक्टली हर समय. आप जरा देखो यहाँ पे चीजों को समझो, यहाँ पे एक एक चीजों को समझो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो. यहाँ पे 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन. इट मींस व्हाट, इफ आई एम टेकिंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डेक्स्ट्रो अदरवाइज लेवो, देन वी गेट द रेसमिक मिक्सचर, राइट? Final product of optically active compound is racemic mixture. Racemization milega, racemic mixture. Right? But it is not sure it is 50% retention and 50% inversion. Board level तक चलता है, board के exam में आ गया, हाँ 100% 50% retention, 50% inversion मिलता है. But जब higher level के अच्छे entrance के exam में जाओगे अपना, तो वहां पर ये चीजें 100% 50% नहीं होती. Reason behind that, inversion का portion ज्यादा होता है और retention का कम होता है, और वो portion depend करता है stability of carbocation पे. देखो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन होगा, उतना अच्छे से इन दोनों के बीच में रेशियो मिलेगा 50-50 के आसपास. लेकिन अगर स्टेबिलिटी कम हो गई तो यहाँ पे चीजें क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी. कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है. बीआर विल सेपरेट आउट हियर, फर्स्ट इट विल व्हाट, बीआर विल सेपरेट आउट. तो जब बीआर निकल गया तो बीआर क्या होता है, इस सॉल्वेंट में हाइड्रोलाइज हो जाता है. जैसे वाटर ले लिया तो बीआर को पूरा क्या करेगा, वाटर कवर कर लेगा. आप जरा ध्यान से समझो इस बात को. ठीक है, अगर ये कवर नहीं करेगा इसको, तो यहां पे प्लस है, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो दोनों चीजें अटैक कर सकते हैं यहां पे, इसके भी तो चांसेस हैं.
तो ये विसिनिटी को छोड़ के कहीं बहुत दूर नहीं गया है, यहाँ पे है, इसके भी चांसेस है। तो इसके लिए न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है बैक साइड को ज्यादा प्रीफर करता है इंस्टेड ऑफ फर्स्ट साइड, राइट, इंस्टेड ऑफ व्हाट, फ्रंट साइड। ये सिंपल से एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल से एक एग्जांपल मैं अगर लेके चलता हूँ, कॉमन एग्जांपल, सपोज एक रास्ते से जा रहे हैं, आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता है जिसपे की आपको सांप दिख गया, अब सपोज वो सांप वहां से चला गया, राइट, लेकिन फिर भी आपके मन में एक डर रहेगा कि हो सकता है आगे जाकर के कहीं पे होगा वो, तो आप क्या करोगे, दूसरे रास्ते जाना प्रीफर करोगे इंस्टेड ऑफ दैट वन। यहाँ पे भी है, बैक साइड से अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फ्यूजन के बाद जो बियर निकला वो विसिनिटी को छोड़ के बहुत दूर नहीं गया, यहाँ पे भी चांसेस है इसके अटैक करने के, दैट्स व्हाई बैक साइड के अटैक को ये प्रीफर करता है, और इन्वर्जन इज द मोर देन द रिटेंशन। तो कहीं कहीं पे अगर आपको इंट्रेंस में क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है 60 और 40 का, तो दैट विल बी 40, दिस विल बी 60, दैट विल बी ऑप्शन इज राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर? यस सर, यस सर। आपको चीजें समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अब देखो यहां पे दो चीजें मैंने क्लियर की, यहां पे एसएन वन के लिए आपको ध्यान ये देना है, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, टू स्टेप प्रोसेस होता है, जो फर्स्ट होता है दैट इज स्लो स्टेप एंड इट इज कॉल्ड व्हाट, आरडीएस। भाई जो स्लो होगा उसमें ही रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, और जिसका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं उसमें सिर्फ क्या है, अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल का जो रोल है वो कब हो रहा है, सेकंड स्टेप में हो रहा है, और जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट है जिसमें रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दैट दिस रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन टोटली डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल। सो क्वेश्चन को अगर मुझे ट्विस्ट करना होगा तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सपोज इफ आई एम राइटिंग हियर, I am taking this CH3 thrice CBr, which undergo for alkaline hydrolysis right, alkaline hydrolysis, hydrolysis means what, water का interaction, water है, हाँ, अगर alcohol लेगा तो alcoholysis बोल देंगे, हाँ ऐसा, तो हाइड्रोलाइसिस राइट, इफ वी इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल to double, then what is the effect on rate of reaction? Can you tell me what is the effect of the rate of reaction? ये बोल रहा है कि ये रिएक्शन हो रहा है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, और उस केस में हम लोग न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट गिरेगा, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। Are you hearing me? Yes. क्या इफेक्ट गिरेगा बताओ मुझे, ओके देखो अभी, अब इसी को मैं यहां पे लिख सकता हूं, मैं देता हूं, अभी स्क्रॉल करता हूं डाउन, हाँ अपने डाउन करने के लिए देखो, फॉर SN1 काइनेटिक ऑफ रिएक्शन, यहां पे भी पता है आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव दैट, हां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल,
राइट सो कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन only depend on concentration of alkyl halide, not on the concentration of nucleophile. ठीक है, इट मींस व्हाट, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है. तो यहाँ पे आप डबल करो या थ्री टाइम्स ज्यादा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट ना. सो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा, राइट. सो आंसर इज व्हाट, नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. बट वही अगर SN2 होता, सो व्हेन वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डबल, देन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो बिकम डबल, बिकॉज दैट इज डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सॉरी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. तो दोनों में से किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा. बट SN1 में क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड ऑन द अल्काइल हैलाइड कॉन्सेंट्रेशन, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल. So alkyl halide ka concentration change karoge, then rate of reaction will change. But if you are going to change the concentration of nucleophile, then no any effect on the rate of reaction, because rate of reaction not depend upon the nucleophile. Why not depend upon the nucleophile? Because nucleophile will use in the second step process, which is fast step process, and we cannot determine the rate of reaction. And alkyl halide use in the first step process, which one is slow step process, and we can determine the rate of reaction. That's why in SN1 reaction mechanism, rate of reaction depend upon the concentration of alkyl halide, not on the nucleophile. I hope understood this part. Yes, sir. Very good. Note down this part.
have done the yes sir chalo scroll karta hu aage likho where this part note on this part okay have done yes sir चलिए आगे चलते हैं अब देखो यहाँ पे this part important point most important point for SN1 हाँ huh? हम लोग SN1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है राइट ना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन राइट देयरफॉर रीअरेंजमेंट takes place bahut important part hai most important part rearrangement right chaliye isko main example se batata hu rearrangement theek hai rearrangement of carbocation dhyan se dekho meri baat ko samjho yahan pe ek example leke main aapko samjhata hu why rearrangement is important suppose if I am taking this CH3 CH2 CH BR CH3 and CH2 it is treated with the nucleophile suppose OS minus you tell me what product will get here kya product hame milega
Can you imagine that? What product will get here? सर बीआर की जगह ओएस आ जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे नहीं सर CS3 CH2 CH3 अगर ये मैंने लिख दिया CH3 ये आई एम टेकिंग द CH2 OH एंड ये इज व्हाट CH3 ठीक है एंड यहाँ पे एक और प्रोडक्ट लिखा है मैंने CH3 CH ऐसा लिख दिया मैं एक्सप्लेन करता हूँ देखो यहाँ पे CH2 CH3 CH3 OH राइट अब देखो यहाँ पे व्हाट प्रोडक्ट फॉर्म इज दिस विल बी राइट ये भी बनेगा बहुत माइन्यूट अमाउंट में ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा बट बहुत माइन्यूट रहेगा ये ज्यादा होगा ऐसा नहीं कि इसके चांसेस नहीं है नहीं बनेगा हाँ बट ये ज्यादा रहेगा अच्छे से रहेगा कैसे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट हाउ विल गेट दिस प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट कैसे मिल गया अपने को अब देखो यहाँ पे सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म देन लुक एट हियर फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस आई एम राइटिंग हियर मैकेनिज्म देखो यहाँ से मैकेनिज्म क्या हो रहा है यहाँ पे Here I'm writing this CH3 and BR. Now it will what? Heterolysis. Step one hoga RDS. I'm not going to write it. After RDS, what will form here? ये सेपरेट आउट होगा यहां से एंड इट गिव द कार्बोकैटायन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वी नो दैट राइट सी दिस देन वी गेट दिस CH3 CH CH3 बीआर माइनस हियर इज व्हाट प्लस चार्ज Right, and this is called what secondary carbocation. There are एकदम ध्यान से समझना इसको हाँ बहुत important part बता रहा हूँ मैं secondary carbocation. In this secondary carbocation, right, rearrangement is possible. इसी को बोलते हैं हम लोग rearrangement. Less stable carbocation convert into the more stable carbocation. That is called what rearrangement. Right. We can say this what rearrangement. Rearrangement, right? So this hydrogen, that is called what 1-2 shifting, huh? Hydride, hydrogen shifting. So this H will shift here. H yahan pe chala jayega aur plus charge yahan pe aa jayega. So what product will form here? Dekho yahan pe. Then our product will be what? CH3C. CH3, now it become what? CH2, because one hydrogen will attach here. And one important part is what? Here form the carbocation, which is what? Tertiary carbocation. And that will be what? More stable. Right. This carbocation is what? More stable, highly stable, as compared to the secondary. और यहाँ पे चांसेस है हाइड्रोजन शिफ्टिंग की मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता है फिनाइल शिफ्ट हो सकता है हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है राइट ना 1-2 शिफ्टिंग हाइड्रोजन शिफ्टिंग मिथाइल शिफ्टिंग फिनाइल शिफ्टिंग उसकी वजह से अगर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो दैट विल बी व्हाट रीअरेंज सो दैट इज द रीअरेंजमेंट प्रोसेस तो कभी भी आप SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म आप देख रहे हो किसी में आप करने जा रहे हो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म सो यू हैव टू सी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन व्हिच इज मोर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू ऑब्जर्व दिस द रीअरेंजमेंट आल्सो अब यहां पे प्लस हो गया देन डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल विल अटैक हियर
attack of this OH minus and you give the product like this one. I hope understood this part. What is the rearrangement? Right? Yes, sir. और बहुत सारे रिएजमेंट बताता हूँ आपको, कैसे एक्सपांड होता है रिंग, एक्सपांड होता है कैसे, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिंग, वो सब भी मैं बताने वाला हूँ अभी. हाँ मतलब Oh my God. Time हो गया क्या? Yes. चलिए थोड़ा सा मैं बता दिया आपको, इसमें बता देता हूँ और आगे चलते हैं. Noted? Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट सबको समझा? रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हाँ तो प्रोडक्ट कभी भी आंख बंद करके ऐसा नहीं लिखने का, ये भी रहेगा प्रोडक्ट आपको ऑप्शन में, ये भी रहेगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा सबसे इंपॉर्टेंट. हाँ अब सी सीयर, अभी सिंपल सा एक रिएक्शन है, प्रोडक्ट कैसे चेंज होते हैं, प्रोडक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता. जैसे मैंने ये ले लिया, आई एम टेकिंग दिस सिंपल वे में, ये ले लिया, एम ई है, एम ई है, एम ई है, एंड व्हाट आई एम टेकिंग हियर एक्स, राइट. अभी सपोज इसके रिएक्शंस मैं डिफरेंट डिफरेंट करा देता हूँ, तो पहला ये क्या होगा, सबसे पहले क्या फॉर्म करेगा, कार्बोकैटायन. सबसे इंपॉर्टेंट वही पार्ट है, इट फॉर्म द कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल. हां प्लस चार्ज. अब इसके ऊपर क्या न्यूक्लियोफाइल है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा. सपोज अगर यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल दिया है, वाटर दिया है H2O, राइट, तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, OH फॉर्म हो जाएगा. OH हो गया. अभी सपोज यहाँ पे अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल है, अभी सॉल्वेंट जैसा दिया है, अल्कोहल दिया है, और ये भी प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा. OR ईथर बन गया. अगर यहीं पे एसिड ले लिया मैंने तो क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा. तो मैं इसको आर्डाइज कर दिया तो ये आर्डाइज हो जाएगा. अगर ऐसा कुछ ले लिया तो क्या मिलेगा अपने को, एम ई, एम ई, एम ई, यहाँ पे क्या हो गया, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, गॉट इट, दैट बिकम व्हाट, एस्टर. तो यहाँ पे देख रहे हो अल्कोहल हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, ईथर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एस्टर हो गया. ऑल आउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट किसके थ्रू जा रहा है ये, एस एन वन के थ्रू जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इज व्हाट, टर्शियरी अल्काइल, राइट. And tertiary alkyl arrived from the stable carbocation, that's why it is passed through the SN1 reaction. Clear? So SN1 की reactivity क्या हो जाएगी? What is the reactivity? SN1. So we can say that what, tertiary alkyl halide is the more reactive than the secondary alkyl halide, and secondary alkyl halide is more reactive than the primary alkyl halide. And primary alkyl halide is more reactive than the zero alkyl halide, that is what, methyl halide. I hope you understood this part. What is the reason behind that? Why this is the order of the reactivity? Because more stable carbocation is form what, tertiary. So, jitna jada stable carbocation form hoga, utna acche se SN1 reaction ko wo pass karega. Clear? Understood? Yes. All concept is clear? Chaliye. So now I'm going to stop this lecture here only. Next lecture mein baaki ki baatein karenge hum log.